गाइस, यही हमारी एडवेंचर दुनिया है। रात में तो पड़ती है ठंड और दिन में गर्मी, पता नहीं मौसम अजीब हो रहा है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं गंगा सिटी में आपको घुमाऊंगा। मैं अपने घर हूँ, ये मेरा घर है, मार्केट और पर यार ये तो पंचर हो गई है। चलो थोड़ी दूर बाहर इसका वो है पंचर जोड़ने की दुकान, उस पर इसकी पंचर ठीक करवाएंगे। चार्जर वाले डाल लेता हूँ गोप्रो के। मेरा गला ख़राब हो रखा है, सर्दी हो रही है थोड़ी सी, केरल से आए थे तो मौसम चेंज हो रखा था इसलिए। तो चलो चलते हैं, थोड़ी सी जगह बच रही है खोलने के लिए, इसमें घुसना पड़ेगा। अरे बाप रे, अरे कितनी गर्म हो गया है सीट वीट से। धीरे धीरे लेके जाने पड़ेगी, इसकी पंचर है इसलिए। वो उधर मेरा मकान है, मेरी दीदी का मकान है। अभी ये क्या नई कॉलोनी बनी है तो यहाँ पे रोड नहीं बना गंगापुर में, थोड़े दिन में बन जाएगा। अभी गंगापुर डिस्ट्रिक्ट बन गया है ना तो रोड भी बन जाएगा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर बरसात में दिक्कत आती है थोड़ी सी। डिप्शा मोड़, यहाँ से डिप्शा मोड़ है, इधर से ये जयपुर बाईपास जा रहा है और इधर पीछे ना ये रिद्धि सिद्धि हॉस्पिटल है और ये रेलवे लाइन जा रही है यहाँ से। धीरे धीरे ले जाता हूँ, ये दुकान वाला मिल गया इधर। जब सीट बेल्ट नहीं लगाया तो पी पी भी कटर थी दूर से लिया। यार यार पंचर है इसकी दुख, ये वाली टायर इसकी पंचर निकाल दो, पंचर है ये वाला टायर। हम एक साइड पंचर यहाँ हुई है, जरा एक पीछे साइड में कैसे हो जाए यार पंचर। तो पहले पंचर में पंचर है, पुरानी पंचर लीक होगी, टायर चेंज हो गया कितना यार, गए 50,000 किलोमीटर चल गए, टायर तो चेंज हो गई है इसके। अभी तो पंचर हो गई थी और दो पंचर निकली थी, दो पंचर के मात्र 100 रुपये लिए हैं आप। सही है, इससे अच्छी क्या बात है दो पंचर में, बाइक के ले लेते एक पंचर 100 रुपये वहाँ पर यार। अब अपन चलते हैं अंदर गंगापुर में, ये रिया हॉस्पिटल है सामने, वो जो दिख रहा है यहाँ से करौली के लिए रास्ता जा रहा है सीधा, और ये पीछे जो जा रहा है जो इंडोल के लिए जा रहा है, ये करौली के लिए जा रहा है यहाँ से। तो हॉस्पिटल के साइड में देखो गंदगी, तो प्लॉट कचरों से भर पड़ा, जब ये हॉस्पिटल की जैसी जगह पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। नालियाँ वैसी बना रखी है कि उसमें पानी जाता ही नहीं है, उसमें कुछ और ही जाता होगा। नालियों का कोई यूज़ नहीं है, देखो नालियाँ बड़ी बनी हुई है बढ़िया, लेकिन कोई यूज़ नहीं है उनका, नई बात तो है नहीं है। यहाँ पे एक फेमस कचौड़ी वाला है, मेरे को उसकी जैसी कचौड़ी है ना कहीं भी नहीं लगती, उसकी जो सब्ज़ी में टेस्ट होता है ना, कचौड़ी तो खैर सबकी सेम सी होती है पर उसकी जो सब्ज़ी है ना आलू की सब्ज़ी बनाते हैं वो भाई एक नंबर है, एक नंबर। घर से उठा लिया है, हेलो दोस्तों, और अब हम लाटा गली से निकल चुके हैं वापस, ये लाटा गली सुगली सी, यहाँ गाड़ी भी पैक करने में आधे घंटे लग जाएंगे। और हम सीताराम का थोड़ी सी दो दो कचौड़ी पैक करवाएंगे एक एक, और उसको जाके खाएंगे कहीं अच्छी सी जगह पे बैठ के। ये वाला लाटा वालों का मकान, ये नहीं आगे वाला, आगे वाला है, इनकी वजह से इसको गली का नाम लाटा हो गया। उस मकान में लिख रहा था पहले लाटा वाली गली, ये रहा लाटा, ये मकान है, ये वाला मकान लाटा हाउस, बहुत पुराना मकान है भाई। पब्लिक देखिए कि मैं हाथ में क्या पकड़ के बैठा हूँ। ऐसी जगह पे ना ब्लॉगिंग करना थोड़ा ना अजीब सा होता है, क्योंकि सब नोटिस करते हैं कि क्या बकचोदी कर रहे हैं इनके हाथ में क्या है, इसलिए ना ब्लॉग कम बनाते हैं यहाँ पे। जयपुर में तो क्या फिर भी नॉर्मल लोग समझ जाते हैं कि हाँ वीडियो बना रहे हैं, या तो ऐसा सोच लेंगे चूतिया पंती कर रहे हैं, या तो कोई तो सोचेगा समझदार ऐसा कोई होगा, वो तो सोचेगा शायद कोई सर्वे वर्वे तो नहीं कर रहे हैं गलियों का, बाहर से आए होशियार बन रहे हैं। अब ये
ये देखो सीताराम कचौड़ी वाला, ये सीताराम कचौड़ी वाला देखो किस भीड़ पड़ रही है यहाँ पे। भैया दो कचौड़ी पैक कर दो और दो कचौड़ी पैक कर दो और जलेबी कर दो 10 लीटर पैक कर। पैक करवा ली 20 रुपये कितनी जलेबी होगी आ गई यहाँ पर। कचौड़ी पैक करवा ली दोस्तों, पैक करवा ली दोस्तों, मैंने अच्छी जगह हेरेंगे और वहाँ बैठ के कचौड़ी के मज़े लेंगे, कचौड़ी के रिव्यू देंगे आपको। मैंने PNB डिलीट कर दिया, 10 GB खा ली, 6 GB खाली हो गई। फिर उसके बाद हमको एक स्कूटी देख के आनी है कि स्कूटी है, वो स्कूटी लेनी है। देखो ये कचौड़ी समोसा वाला है, वो कचौड़ी इसकी दुकान ऐसी है कोई कितनी सबसे फेमस है। एक तो वो बाबू कचौड़ी वाला था, आबू है बाबू, बाबा तो खीरमन वाला, तो आबू कचौड़ी वाला, आबू कचौड़ी देवे। लेकिन अब नहीं रही है कोई, अब नहीं रहा, लेकिन अब यही सबसे फेमस, मतलब मुझे तो ये सबसे अच्छी इसी की लगती है। और इसके पहले तो ये दौड़े थे इसके वाइट कलर के, दोनों तरीके देता था पहले, अब ज्यादा बिक्री होने लग गई इस वजह से घमंड आ गया। पहले कितने की थी, 20-20-40, अब 15-15 कर दी है ना, 15-10 की थी, थोड़े दिन पहले 12 की थी, और अब 15 कर दी, साइज छोटी कर दी। कोई पैसे बढ़ा रहे ना तो कम से कम साइज तो वही रखनी चाहिए, और पैसे नहीं बढ़ा रहे तो साइज छोटी कर दो। बिजनेस आया पापा के साथ, तो पर लग रहा है मेहनत करके। ये देख इसके दोस्त है जो मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, नल्ला घूम रहे हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो जल्दी, उसी दिन थार ले लेंगे, लेकिन है ना ये पक्की बात है, 1 लाख सब्सक्राइबर थार नहीं जाए ना तो लिख के ले लेना, वापस लेना अपने सब्सक्राइबर, अनसब्सक्राइब कर देना, अगर डिसलाइक कर देना, ब्लॉक कर देना, सारी वीडियो रिपोर्ट कर देना हमारी पे। 1 लाख होते ही थार तुरंत आ जाए। अभी हम देखो मांग मांग के तुमको गाड़ियाँ लेनी पड़ती है, खुद की आ जाएगी अभी तो, नहीं हमारा मजाक उड़ाएगी अगर हम रोड पे बनाएंगे तो, जब थार के साथ बनाएंगे तो मजाक नहीं उड़ाएंगे, फिर कब मेहनत से कर रहे ना। एक थार एक रॉयल एनफील्ड 1 लाख सब्सक्राइबर पे डन। बैठा ही नहीं रहे टेम्पो वाला, होने देख ऐसे ट्रैफिक वाले, बल्कि नहीं साइड साइड में चल रहे, धीरे चला रहे, तो बिल्कुल बीच में राजा और चलेंगे, यूँ पसंद नहीं है वो। अभी फ्रूट्स का बहुत तगड़ा वो चल रहा है, देखो अंगूर बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ रहे, बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल मीठे और सस्ते 40-50 रुपये किलो मिक्स। अभी हम पहुंचते हैं जगह ढूंढते हैं, फिर वापस स्टार्ट करेंगे वहीं से। ठीक है दोस्तों, गाइस अभी काफ़ी देर से कचौड़ी खाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है, पहले और स्टार्टिंग में मिल रही थी, वो छोड़ के आ गए, अब दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं। सही है, यहाँ देखते हैं, देखिए छाँव है अच्छी खास, यहाँ आगे कहीं कोई कुछ कोई हो ना ऐसी जगह पर। हेलो, ब्रिज के नीचे चलेगा, ब्रिज के नीचे जाके जगह नहीं दिखे, एरिया है पूरा खाली गाइस, यहाँ गंगापुर में घूमने के लिए बैठने के लिए अभी यहाँ कुछ खुल जाए छोटा मोटा, अगर आप ऊपर बैठ गए तो। गाइस तो भारी ने लिया, डेस्टिनेशन मिल गई है हमारी, और हमारी गांठ फट रही है ढूंढने में, बढ़िया साफ सुथरी जगह है यार। इसको थोड़ी सी ये बहुत अच्छी जगह है, खाली है अभी, कचौड़ी खोल। अरे यार दो नदी नहीं मैंने भगवान की कसम है दिए, ये भगवान तो सुन दो कैम खाते ही नहीं, तो दाल देखो इसमें कैसी है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, जलेबी नाम जलेबी भाई। बस गाइस यही हमारी एडवेंचर दुनिया है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम महंगी महंगी जगह पर जाके बकचोदी करें, देखो नाले में बैठ के तब कचौड़ी खा रहे हैं, देखो कितनी मस्त जबरदस्त।
सब्जी दो चार का थोड़ी दे दी, चम्मच छोड़ दी है, चम्मच छोड़ दी है, और देखो जलेबी 20 रुपये में इतनी सारी जलेबी कहाँ मिलेगी, खाई नहीं मिले भाई। अब ठीक है, हम कचौड़ी खा के आपको फिर मिलते हैं। फाइनली हमने कचौड़ी खा ली है भाई, स्वाद वही है जो अरे गंदी हुई आज से बहुत पहले था। थोड़ी सी जलेबी जरूर बच गई कि यार मीठा ज़्यादा खाया नहीं जाता हमसे, और एक तो है पर और सब चीज़ ठीक है, मम्मी हल्दी इतनी डालता है कि सब दांत पात पीले हो जाते हैं और हाथ भी पीले हो जाते हैं। तो हम चलते हैं कि चाय वाय की दुकान पर, क्योंकि पानी नहीं पिया, पानी में जाके पियेंगे। तो चलो चलते हैं, गर्मी भयंकर पड़ रही है यार, रात में तो पड़ती है ठंड और दिन में गर्मी, पता नहीं मौसम अजीब हो रहा है। अब हम ढूंढ लेते हैं चाय की थोड़ी सो चाय पड़ी चुड़ी पी के, ये अतः कहते हैं ये सब कुछ इसको। तो आज हम यहाँ घूम रहे, कल आपको हम जयपुर में दिखाई देंगे शाम तक, फिर वहाँ कुछ व्लॉग वहाँ के बनाएंगे। अभी हमने व्लॉग बनाना स्टार्ट करा तो वो ज़्यादा नॉलेज नहीं है बोलना चालने का, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे यार, व्यूज आएंगे अच्छे तो पैसा आना लगेगा, तो अपने आप बोलना सीख जाएंगे। धीरे धीरे हम क्या बन जाएंगे, पैसे चाहे कितने आ जा, लेकिन हमारी गाड़ी फेवरेट थार ही है, पैसे हमारे पास चाहे BMW के लिए पैसे होंगे ना तो भी हम थार ही लेंगे। ऐसे नहीं कि ज्यादा फेमस हो गया तो हमारा एटीट्यूड आ जाएगा, हम जीवे वो लेने चले जाए, लेंगे थार ही। हाँ ऐसे है कि अब कम पैसे आएंगे तो 4x2 लेंगे, ज़्यादा पैसे में आएंगे तो 4x4 लेंगे, ये जरूर फर्क रहेगा, लेकिन औकात से ज़्यादा बनी एक नहीं। चाय की दुकान बहुत अच्छी साफ सुथरी बढ़िया छान लग रही है, देख मस्त, ये तो मजे हैं गाँव के, ये सिटी में मजे कहाँ मिलेंगे। अंकल भी देख रहे हैं क्या बहन जो तमाशे कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं क्या, बकचोदी कर रहे हैं। अंकल दो चाय बना देना भाई, पहले मैं ये गलत बल्ले पर आ गया हूं, वेटर बल्ले पे चाय पी ले, यहां पे चाय थोड़ी पी ली, बैठेंगे थोड़ी देर में ठीक है, बाद में मिलते हैं। अब हमने पंचर जुड़ वाली गाड़ी की कचौड़ी खा ली, चाय वाय पी आए, और अब हम घर पे गाड़ी रखने आ गए वापस। अब यहाँ से ब्लॉक खा थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर शाम को फिर बकचोदी कर निकल जाएंगे बाइक से, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल डलवाना ही तो पंचर डलवाने के लिए ले गए थे, इसलिए अभी गरीबी है। घर आ गए, घर से फिर बाइक उठाएंगे। ओके गाइस, ये मेरा कर दे, हैं कौन काटे, अरे ये कुत्ता ऐसे ही करते हैं, कुत्ते लोग डराते हैं पर खाते नहीं है भाई। लोगी ये अपनी छोटी सी कुटिया, यहीं पर लोग को ख़त्म करते हैं, ये अपनी स्प्लेंडर रखी पिताजी। ओके, वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर डॉगी क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया आपको,